हे गाइस, दिस इज रमन रायन, आई एम बैक विद यू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो है बिगनर्स कार्डियो वर्कआउट। बहुत सारे बिगनर्स को प्रॉब्लम रहती है कि उनको पता नहीं होता जिम में आगे कितना कार्डियो करना है, क्या करना है। वो दूसरों को देख के ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे इंजरी हो जाती है और बहुत चोट लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आप एक बिगनर हैं, आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, जैसे कि दिख रहा होगा भैया कि जितने आप हट्टे कट्टे तगड़े हैं, तो आपको कितना कार्डियो करना है और कुछ एक्सरसाइज ऐसी जो आपका HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में आएगी, जो आपके फैट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी आपको जल्दी फैट लॉस वेट लॉस करने में। तो गाइस, जब भी आप जिम आएंगे, आपको ध्यान रखना है, आपको जिम में आना है, आप दो टाइप का कार्डियो कर सकते हो। अगर आप तो दो टाइम जिम जा रहे हो तो मॉर्निंग में कार्डियो अब एब्स साइड्स ट्रेन कर सकते हो, शाम को वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आप एक टाइम जिम जा रहे हो, चाहे वो टाइम कोई सा भी हो, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, तो इसमें भी आप वर्कआउट से पहले अपने जिम में आते ही पहले कार्डियो कर सकते हो, उसके बाद अपनी वेट ट्रेनिंग, नहीं तो आप पोस्ट वर्कआउट कार्डियो भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, आपकी एनर्जी बॉडी से वैसी डिप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एनर्जी वैसी बॉडी में कम बचेगी, फिर उसके बाद पोस्ट वर्कआउट आप कार्डियो करोगे, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करोगे, तो आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा बॉडी फैट बर्न करेगी। तो ये भी अच्छा है, जैसा सूटेबल हो आपको वैसा कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर आप पहले कर रहे हो तो आते आपको लेग्स की अच्छे से स्ट्रेचिंग करनी है। पहले अच्छे से लेग स्ट्रेच करने के बाद आपको ट्रेडमिल करना है। ट्रेडमिल आपको ज़्यादा नहीं करना और ये आपको ऐसे ही करना है। तो गाइज, आपको क्या करना है, पहले एक मिनट वॉक करना है, फिर एक मिनट रन करना है, फिर एक मिनट वॉक करना है दोबारा से, फिर दूसरे मिनट रन करना है। तो ऐसे आपको 20 मिनट्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें से आपका 10 मिनट रन होगा और 10 मिनट वॉक होगा। इसमें भी अच्छी खासी कैलोरीज आपकी बर्न हो जाएगी, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 40-40 मिनट, 50-50 मिनट स्टार्टिंग में इतना बहुत होगा आपके लिए। अगर इससे भी कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर धीरे धीरे स्टैमिना गेन हो जाएगा तो हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा ट्रेडमिल नहीं करनी है आपको और अच्छे से करनी है, जल्दी फैट बर्न करना है, तो ये मेथड यूज़ करो, बेस्ट है। चलो, गाइज, पहले आपको ख़त्म करना है कार्डियो। अगर ट्रेडमिल है, अगर जिम में ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल करनी है, ट्रेडमिल नहीं है तो आप बाहर जाके वॉक करके आ सकते हो, बाहर से रनिंग करके आ सकते हो। अगर आपके जिम में क्रॉस ट्रेनर मशीन है तो आपको क्या करना है, 10 मिनट के बाद आपको क्रॉस ट्रेनर करना है, बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए। आपको 10 मिनट तक क्रॉस ट्रेनर करना है, बस 10 मिनट में भी अच्छी खासी कैलोरीज बर्न हो जाएगी। बस अगर आपका ऑटोमेटिक क्रॉस ट्रेनर है, एडवांस क्रॉस ट्रेनर है, इसका आप लेवल अप करके कर सकते हो। अगर बेसिक है तो आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकते हो, 10 से 15 मिनट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। गाइज, उसके बाद करना है आपको 10 से 15 मिनट साइकिलिंग। साइकिलिंग तो किसी भी जिम में अवेलेबल होती है, जिम में मिल जाएगी आपको इजीली। अगर ये ही नहीं है तो उसके बाद जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा आपको वो कर सकते हो आप। आपको 10 से 15 मिनट साइकिलिंग करना है। साइकिलिंग में हमेशा सबके पास एडजस्टेबल होता है, बिल्कुल लाइट करके नहीं, मॉडरेट करके, ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा लाइट नहीं। आपको ऐसे 15 मिनट करने हैं, अच्छे से। इससे आपका लेग्स, काफ, ग्लूट्स, आपका लोअर स्टमक सब इंक्लूड हो जाता है। बगल में लक्की भैया दिख रहे होंगे आपको, इनकी भी चली लेटर इन्फॉर्मेशन, अभी बहुत जल्दी शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। गाइज, आप लोगों के जिम में अगर कार्डियो के लिए मशीनें हैं, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर और साइकिलिंग, तो आपको यही करना है। अगर ये नहीं है, बहुत नॉर्मल कॉमन से जिम में जा रहे हो, तो यार आप बाहर जाके रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज है जो आपकी बेस्ट है फैट लॉस के लिए, वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसके बाद आपको ये कार्डियो खत्म करने के बाद करना है बर्पीस। बर्पीस के आपको 15-15 के 5 सेट्स लगाने हैं। गाइस, इनसेन कैलोरीज बर्न होगी और हार्ट रेट आपकी बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि बहुत इंटेंस ट्रेनिंग है। भैया, 1, कम ऑन। गाइस, ऐसे ही आपको बर्पीस लगानी है, नीचे जाना है, पुशअप करना है, देन उसके बाद भैया का बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है और भैया भी अभी बिगनर है, इनसे भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। आपको भी ध्यान रखना है, बिगनर हो आप, बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करना है। 5-10 जितने भी लग रहे रेपिटेशन, उसके 5 से 4 सेट्स। ये देखो इनका चेहरा लाल हो गया 6 में ही। जैसे मैंने बताया आपको, बहुत इंटेंस ट्रेनिंग है ये, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। इसके बाद आपको करना है हाई नीज। हाई नीज के आपको करने हैं 50-50 के 4 सेट्स। कम ऑन, 2, 3, 4। हाई नीज में भी आपके ग्लूट्स, लेग्स और आपका लोअर स्टमक इंक्लूड हो जाता है। गाइज, इसके भी आपको 50-50 के 4 सेट्स करने हैं, 200 हो जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी है। उसके बाद करना आपको जंपिंग जैज, इसके भी आपको 50-50 के 4 सेट्स करने हैं। फ्लेक्स। गाइज,
ये था बिगनर्स कार्डियो वर्कआउट। आपको यही करना है, जिम में आके ट्रेडमिल करना है, क्रॉस ट्रेनर करना है, साइकिलिंग करनी है, उसके बाद सिर्फ ये दो या तीन एक्सरसाइज करनी है आपको अच्छे से। गाइज इनसे अच्छा कार्डियो होगा, अच्छी कैलोरीज बर्न करेंगे आप जल्दी। मेक श्योर टेक्निक अच्छी होनी चाहिए जैसे बताया आपको मैंने, और रेपिटेशन आप धीरे धीरे, आपका स्टैमिना गेन होगा तो रेपिटेशन आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे 50-50 के मैंने 4 सेट बोले, आप 100-100 के 4 सेट्स कर सकते हैं। बॉपिस मैंने आपको 10 से 15 के बोले 5 सेट, अब बॉपिस 20 के या 25 के 4 सेट्स कर सकते हैं। सो अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ाते रहें, इनसेन होगा आपका कैलोरीज बर्न। और सबसे ज़रूरी चीज़ की ध्यान रखना, आपको इतना ही करना है, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसको देख के आप ज़्यादा करो, आप जितना हो रहा है उतना ही करो, इतना बेस्ट है बिगनर्स के लिए। बिगनर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। सो गाइस ये कार्डियो आप ऐड कर सकते हो पोस्ट वर्कआउट में भी, और अपने वर्कआउट से पहले भी कर सकते हो। सो जैसा सही लगे आपको वैसे ऐड करो। सो गाइस आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर कर देना। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, फिट फॉर लाइफ।